मेरी प्यारी ट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और कुछ दिन पहले मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था मेरे कास्ट के बारे में कि मेरी क्या कास्ट है, सो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और आप भी अपना कमेंट जरूर करना इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कि आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के रिगार्डिंग। सो आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलने वाला है और लोगों का किस तरह का माइंड सेट है, क्या उनके दिमाग में चलता है, सो पूरी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं उस बंदे का आपको नाम नहीं बताऊंगा जिस बंदे ने मुझे ये मैसेज किया था। उसने सबसे पहले मुझे रिस्पेक्ट से ही बोला, हेलो सौरभ भाई, कैसे हैं आप? और नीचे कमेंट लिखा, चंदेल मतलब पाल या दरकास्ट। किस तरह का आपका माइंड सेट है सबसे पहले? तो मैंने उस बंदे को रिप्लाई नहीं किया, मैंने उस बंदे को एक्सेप्ट तक नहीं किया है उसके मैसेज को, क्योंकि मैं इस तरह की मैंटेलिटी ना मेरी खुद है, ना मैं दूसरे बंदे को अपने ऊपर, ऐसे बंदे को अपने आसपास रखना चाहता हूँ जिस बंदे की ऐसी मैंटेलिटी हो। क्योंकि जो बंदा अगर आपको कास्ट वाइज आपकी इमेज अपने माइंड में बनाता है, वो बंदा किसी भी काम के लायक नहीं। सच बोलूँ वो इस धरती पर, वो एक बंदे ने कहा था ना, मैं संदीप महेश्वरी सर के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था, आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा, कि संदीप सर को वो बोझ बोल रहा था बंदा। तो जस्ट लाइक ऐसे बंदे इस धरती पर बोझ हैं, ना कि संदीप सर जैसे, जिन बंदों ने संदीप सर को ऐसा बोला था। पहली बात तो ये है। और अपना चैनल का जो मेरा नाम है सौरभ चंदेल, वो एक ऑफिशियल जो मेरा नाम है वही मैंने लिखा हुआ है। और चंदेल मैं आपको बता दूं, राजपूत होते हैं राजपूत। और सीधी सी बात बोलूँ, जितने भी कास्ट सिस्टम है मुझे पता है, वो पूरे इंडिया में कास्ट सिस्टम सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। SC और जनरल के बीच में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी है, SC ST OBC के बीच में। और एक बच्चा जब पैदा होता है उसी तब ये चीज़ पता लग जाती है, चाहे आप डिपो में राशन लेने जाओ, चाहे आप कहीं भी जाओ, आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। एक फॉर्म सबमिट करने से लेकर एक IAS तक का जो रिजल्ट निकलता है UPSC का, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ देखने को मिलती है। और हर बंदे के माइंड में ये चीज़ है कि कास्ट सिस्टम में ये चीज़ होती है और वो लोग हमसे छोटे होते हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ यार, कि मैंने उस बंदे से मैसेज पर बात क्यों नहीं की? क्योंकि जब उस बंदे का मैसेज आया, पहले मुझे बहुत अच्छा लगा जो उसका फर्स्ट लाइन है, लेकिन दूसरी लाइन उसने ये भेजी कि आपकी कास्ट क्या है। भाई, मेरी कास्ट जान के आप क्या करेंगे? चाहे मैं कोई भी हूँ, अगर मैं एक इंसानियत अच्छी नहीं रखता, अगर मैं अपना बिहेवियर अच्छा नहीं रखता, देन मैं कुछ भी हूँ यार, वो कोई मैटर नहीं करता। और जो चीज़ें थी पहले के अकॉर्डिंगली अच्छी थी, लेकिन अब टाइम चेंज हो रहा है और धीरे धीरे ये चीज़ें भी फिनिश हो जाएंगी। और मुझे पता है बहुत बुरा लगता है यार, जब आप किसी को कास्टिज्म के अकॉर्डिंगली जज करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि बंदे जो होते हैं ना कैटेगरी वाइज, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, कुछ और तीन चार जो वर्ण बनाए हुए हैं, वर्ण व्यवस्था, तो इस चीज़ के रिगार्डिंगली मैं खुद भी इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी को उसके काम के अकॉर्डिंगली जज करें, कि दूसरे कैसा काम कर रहे हैं उस अकॉर्डिंगली आप उनसे बात करें। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई भी हो। और जो गलत काम कर रहा है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, उसको उसी तरह से ट्रीट करो जिस तरह का वो बंदा है। और मुझे पता है ये चीज़ें हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से एक डिफरेंस बना हुआ है। और अपने मैं गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन चीज़ों को स्टॉप करो यार। इक्वलिटी भी एक जगह है, क्योंकि इक्वलिटी भी आपने दी हुई है कि सभी लोग बराबर हैं, लेकिन जब एक फॉर्म भरने जाते हैं तब ये चीज़ें हमें बीच में दिखती है कि ये क्या चीज़ है यार, कि एक बंदा फ्री में फॉर्म भर रहा है, एक सेम उसी, वो भी उस, बल्कि उल्टा उसकी फैमिली वाले उससे भी गरीब हैं। लेकिन ये चीज़ें इस तरह से गवर्नमेंट ने कर दी है कि इन चीज़ों को मैं बोल नहीं सकता। आपको भी पता है कि क्या ऑल ओवर पूरी कंडीशन है। और जनरल वाले मुझे पता है बहुत कहते हैं कि यार हमारे लिए कुछ भी गवर्नमेंट ने नहीं रखा है, तो सारा इन्हीं कास्ट वालों के लिए रख दिया है। और तुझे बने यार, जो जिसने मुझे कमेंट किया था ना यार, कहाँ किस धरती के प्राणी हो आप? मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ों में मैं किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता जो कास्टिज्म को प्रमोट करते हैं। और आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट, प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए। इंसानियत सबसे बढ़ के है, और मैं सभी से बहुत प्यार करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। जिस बंदे ने कमेंट किया उससे भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, ये पाल ये कोई भी कास्टिज्म है, आप इसको सबसे पहले इंसानियत को रखो यार, ठीक है? इंसानियत इज़ द टॉप प्रायोरिटी ऑफ अवर लाइफ, अवर गोल। जब आपको हेल्प की ज़रूरत होगी तब आप ऐसा नहीं पूछोगे, मान लीजिए बाइक से गिर के, तब आपको उठाने के लिए आप ऐसे थोड़े पूछोगे यार राजपूत बंदे आओ सिर्फ मुझे दूसरा बंदा हाथ मत लगाओ, तब ऐसा मुंह से नहीं निकलेगा। और मैं सभी का ऐसा मत सोचना कि मैं किसी कास्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ, मैं सभी के लिए इक्वल हूँ,
चाहे कास्ट राजपूत हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, ऑल आर इक्वल। और गवर्नमेंट से भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपने इक्वलिटी का हमें राइट दिया है उसी राइट को आप प्लीज बराबर करें। जो चीजें ये सोसाइटी में इसी वजह से हो रही है क्योंकि आपने बीच में किसी को एक ज्यादा पावर दे दी है, किसी को कम लेवल पे रखा है, तो इसी वजह से डिफरेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सो आई रिक्वेस्ट लास्टली, मैं बहुत चीजें बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को प्लीज अच्छे लोगों के साथ शेयर करना जो लोग इस चीज को बहुत ज्यादा मानते हैं कि कास्ट सिस्टम ऐसा होता है। कुछ बंदे फेसबुक पे जस्ट राजपूत राजपूत लगा देते हैं, पता नहीं क्या समझे भाई, पृथ्वी चौहान नहीं बन जाओगे तुम पृथ्वी चौहान नहीं बन जाओगे। और जो अपने अच्छे काम करते हैं वही लोग दुनिया में जाने जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज आप भी अपने कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है इस रिगार्डिंग, और किस तरह से इस चीज को खत्म किया जा सकता है ताकि सभी इक्वल रहें और सभी प्यार से रहें। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, पीस।